आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की 112 ध्यान तकनीकियों की श्रृंखला के अंतर्गत 11वीं तकनीक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक की जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये तकनीक है एहसास। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक वस्तु, कोई भी वस्तु, जैसे कि एक गुलाब का फूल। पहले उसका एहसास कीजिए। सिर्फ देखना काफ़ी नहीं होता, उसे महसूस कीजिए। क्या होता है जब आप एक गुलाब को देखते हैं? क्या आपका मन शांत होता है? क्या आप उसे पूरी तरह से महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो शायद आप रोने लगे, हंसने लगे या नाचने लगे। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को सचमुच महसूस करते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं प्राकृतिक होती हैं। लेकिन क्या हम सचमुच में किसी वस्तु को महसूस कर पाते हैं? क्या हमारा मन तरह से उसमें समाहित होता है? सच्चाई ये है कि हम में से अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर पाते। हमारा मन अन्य चीज़ों की ओर भटकता रहता है। तो चलिए आज हम ये कोशिश करेंगे। चुनिए कोई एक वस्तु और उसे पूरी तरह से महसूस कीजिए। उसके साथ अपने पूरे हृदय को मिलाइए। बाकी सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ उस वस्तु पर केंद्रित हो। ये करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम आपको एक नई स्थिति में ले जाएगा, जहाँ आपकी समझ में एक नया आयाम खुलेगा। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप सचमुच में किसी वस्तु को महसूस करने के लिए, अपने मन को प्रशांत करने के लिए संकल्पित हैं? मैं आपका इंतज़ार करूँगा। प्रणाम।